तो दोस्तों ग्लैनमार्क लाइफ साइंस के क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं नंबर तो के बारे में में हम इस वीडियो में बात लिए एक अच्छी न्यूज है टेन पॉइंट फाइव रुपीज का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया हंड्रेड इस कंपनी के हैं तो एक हजार पचास रुपए का डिविडेंड आपको यहाँ पर मिलेगा अब अगर हम रेवेन्यू की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में सेवन परसेंट से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी वन करोड़ पे यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू के नंबर इस क्वार्टर में आए हैं तो देखा जाए तो सिक्वेंशियल बेचिस पे रेवेन्यू का नंबर काफी अच्छा है अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 15 परसेंट से बड़ा है और 115 करोड़ का कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में कमाया है तो ये देखा जाए क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नंबर हैं ये काफी अच्छे हैं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर सेवन परसेंट से बड़ा है और फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी वन करोड़ पे ये नंबर निकल कर आया है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू हमें अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 59 से बढ़ा है देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 59 परसेंट की जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है ये नंबर काफी अच्छा है और मार्केट को ये नंबर काफी पसंद आ सकता है देखिए ये क्यों क्यों लिखा हुआ है ये गलती से मैंने लिख दिया है जिसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता अब देखिए लगभग अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो सात हजार आठ सौ करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और जो प्राइस टू बुक रेशियो वो अराउंड टेन टाइम्स है तो देखा जाए तो वैल्यूशन यहाँ पे कुछ ज्यादा कॉस्टली नहीं है लेकिन ये भी नहीं बोलेंगे कि ये वैल्यूशन अंडर वैल्यूड है अब ये देखिए पिछले चार साल से लगातार जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की ये भी हमें अच्छे तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है अब देखिए अभी सिक्स थर्टी टू पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है मुझे जहाँ तक ध्यान है लगभग इसका जो इश्यू प्राइस था साढ़े सात सौ के लगभग इसका इश्यू प्राइस था तो वहां से अगर हम देखेंगे दस से पंद्रह परसेंट ये स्टॉक अभी अपने इश्यू प्राइस से अभी नीचे ट्रेड हो रहा है देखिए मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलरली ये जो नंबर है ये का मार्केट को अच्छे लग सकते हैं मुझे लगता है ज़्यादा तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में जो साढ़े सात सौ के लगभग का इश्यू प्राइस था वहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए तो देखा जाए तो कंटिन्यूसली कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है जो टिपिकल फार्मा कंपनी होती है वैसा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो अगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं यहाँ पे मुझे कोई डाउट यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ग्लैंडमार्क लाइफ टाइम के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा ओके तो दोस्तों थैंक यू हैव अ नाइस डे